गवर्नर्स एनआईटी कोर सर्जिया की रेपो के हम कर रहे थे, रेपो नंबर 9 के ऊपर थे, हमने 9A और 9B और 9C तक कर लिया था, अब हम 9D देखने वाले हैं। ये रेपो के सवाल आपको कहाँ मिलने वाले हैं, रेपो कहाँ पे मिलने वाली है, codepeedspeed.com पे आप लोगों को जाना है और एग्जाम क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह की इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्स दिए हुए, आपको और भी जो कुछ कोर्ट चाहिए आप कमेंट्स में बता दिएगा, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोर्ट रिक्वायर्ड हो वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये सर जिया की रेपो हमारे पास ये मौजूद है और 9 हम लोग करने वाले हैं 9D, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9D और 9EF का कॉन्सेप्ट। अब ये जो है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट जो है आगे की तरफ मूव कर चुकी है और अब ये हम एडवांस लेवल को कवर कर रहे हैं। वो जो बेसिक की छोटी छोटी सी बच्चों वाली चीज़ें पढ़ते थे अब वो काम ख़त्म हो चुका है, अब हमारे पास जो काम स्टार्ट हो चुका है वो एडवांस लेवल का है, तो चीज़ें समझने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, अब इतने मज़े से चीज़ें समझ में नहीं आएगी, अब थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोडिंग को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच चुके हैं तो मुबारक हो, आपने बहुत ही जो मेन चीज़ है यानी इस रेस में आप अब जीत की तरफ आगे है। कुछ लोग जो है डर के पहले ही चले गए, इस कोर्स से आउट हो गए, लेकिन आपको मुबारकबाद देता हूं मैं कि आप लोग अभी तक टिके हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं। तो स्टेप 90 को मैं कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी से और वीएस कोड में फिर मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। रेस पैरामीटर का हमारे पास ये टॉपिक है, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं, डुप्लीकेट दे रहा मुझे। तो इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले हमारे पास रेस्ट पैरामीटर को इन्होंने डिफाइन किया है। रेस्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास, हमने डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ लिए, इसी तरीके से एक रेस्ट पैरामीटर भी है। ज्वाइंट मैटर एरे के अंदर हम जितने भी एलिमेंट होंगे उस स्ट्रिंग को कहते हैं और स्पेस देंगे, रेस्ट पैरामीटर एक ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के बाद एक पैरामीटर जो है फंक्शन जो बनाया और उसका नेम दे दिया हमने, जो भी एक्स वाई जेड हम नेम देना चाहते थे। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है नेम दे दिया है, अच्छा पिछली मैंने जो भी चीज़ें हैं उसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर का आइडिया हो, ये एरर आखिरकार आ क्यों रहा है। अच्छा ये ऊपर की भी चीज़ें मेरे पास कमेंट नहीं, आई थिंक नाइन सी की। तो ये जब भी मेरे पास एरर दे रहा था, तो ये अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, जो मेरे पास काम था इंपॉर्टेंट 9D का रेस्ट पैरामीटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया, आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले फंक्शन बना लेना है। पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जो पढ़ रहे उसको शो कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया आपने और फंक्शन का नाम दे दिया, जो भी एक्स वाई जेड देना चाह रहे हैं, मैंने एक बिल्ड नेम से फंक्शन दे दिया। उसमें हमने दो चीज़ें पास करा रहा हूँ, मैं पहली चीज़ करा रहा हूँ फर्स्ट नेम एक नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है। लेकिन अब दूसरी जो चीज़ करा रहा हूँ मैं वो डॉट, तीन डॉट लगा रहा हूँ और रेस्ट ऑफ नेम को बोल देता हूँ स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास एरे है। स्ट्रिंग कौन सी फॉर्म में है, स्ट्रिंग मेरे पास जो है वो एरे की फॉर्म में है। तो फंक्शन बना लिया हमने, पैरामीटर दे दिए, एक फर्स्ट नेम दे दिया, ओ माई गॉड, तो हमने फर्स्ट नेम दे दिया और इसके बाद स्ट्रिंग दे दी। और रेस्ट पैरामीटर जो होता है वो हमेशा कहाँ पे दिया जाता है, वो पैरामीटर के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो हम फंक्शन बनाते हैं आपको पता होता है पैरेंथेसिस के अंदर मुझे पैरामीटर देने होते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर की ये निशानी है, ये जब भी आपको मिलेगा ना ये तीन डॉट किसके अंदर, पैरामीटर के अंदर मिले, पैरामीटर यानी इस ब्रैकेट के अंदर मिले, पैरेंथेसिस के अंदर जब भी आप तीन डॉट लगे हुए देखें। रेस्ट पैरामीटर का बस सिंपल सा आपको सिंटैक्स एक बात याद करने की ज़रूरत है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है रेस्ट पैरामीटर की। जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर तीन डॉट देखे और इसके बाद जो भी वो बना हुआ है उसका जो पैरामीटर गिवन है, तो समझ जाए भाई ये रेस्ट पैरामीटर है। और अगर आप इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर देखेंगे तो फिर आप समझ जाए
कि ये हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं रेस पैरामीटर। फिर मैंने बता दिया कि भाई स्ट्रिंग जो है हमारे पास एक एरे की फॉर्म में होगी, ये बात तो आपको पता ही होगी, अब तक कोई नई बात नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या बोल दिया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, इसको मैं मिटा देता हूँ, बुरा लग रहा है। फिर इसके बाद मैंने रिटर्न करा दिया भाई, क्या किया हमने इसके बाद, रिटर्न करा दिया। रिटर्न जो होता मैंने वो रिटर्न करा दिया। रिटर्न क्या कराया मैंने, मैंने ये रिटर्न करा दिया इसको। रिटर्न में मैंने लिखा फर्स्ट नेम प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दी और प्लस रेस्ट ऑफ नेम जो कि हमने ऊपर कॉल किया हुआ है, क्योंकि हमने रेस्ट ऑफ नेम जो है मेरे पास डॉट ज्वाइंट का मेथड जो आपको पता है हम यूज किस लिए कर रहे होते हैं, डॉट ज्वाइंट हमने इस्तेमाल किया, डॉट ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। और ज्वाइन मेथड एरे के हम अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसे स्ट्रिंग कहते हैं और स्पेस देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्वाइन मेथड जो है एरे के अंदर जितने भी जो है हम एडर, तो यहाँ पास उसके लिए हमने डॉट ज्वाइन यूज किया। अब मैं ऊपर कर दूं कोड को थोड़ा एक साथ करके दिखा दूं, अब मैंने वार से बोल लिया कि भाई वार एम्प्लॉय नेम बिल्ड नेम जोसेफ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई डिफॉल्ट, यहाँ पे ये मेरे पास एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। चाहे तो आप यहाँ पे इसको कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करवा के इसकी जो भी डेटा है आप वो यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे इसके अंदर जो भी डेटा है वो आप इसका दे दीजिएगा, फर्स्ट नेम जो भी आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसका जो भी डेटा है वो पुट करवा दीजिएगा। तो ये तो हमारे पास ये बात ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं वार से हमने बोला एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम में हमने अब ये इसको मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ, चले इसी से इसी एग्जांपल से समझ ले आप। ये जो अभी हमने फंक्शन बना लिया, रिटर्न करा लिया, रिटर्न के बाद हमने वार से हमने एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय नेम का, और एम्प्लॉय के कुछ चार नाम डाल दिए, आप अपनी पसंद के चार नाम डालिए, मैंने उसके लिए रैपो के, तो चार नाम हमने दे दिए बिल्ड नेम के अंदर। बिल्ड नेम यानी ये जो बनाया हुआ था इसके अंदर हमने चार नेम स्टोर करा दिए। अब एनोनिमस फंक्शन तो हमारे पास ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एनोनिमस फंक्शन टाइप विथ रेस्ट पैरामीटर। इसके बाद मैंने इसको कंसोल करा ली, कंसोल करा ली तो आप देख सकते हैं इसने चार नेम दे दिए, जेसू सैमुअल लुकस और मैकेंजे, ये चार नाम इसने मुझे दे दिए, ठीक है। तो अब ये चार नाम दिए किस हिसाब से दिए, क्या है क्या तरीका, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए। तो आप स्टार्ट से समझिए, सबसे पहले फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया, एक फर्स्ट नेम लिया, एक हमारे पास सिंपल सा पैरामीटर लिया फर्स्ट पैरामीटर, और दूसरा जो मेरा पैरामीटर है वो मेरा रेस्ट पैरामीटर है। अब ये रेस्ट पैरामीटर मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ यार, मैं इसकी आसान सी एग्जांपल बताऊँ ना यार, क्या अगर मान लीजिए मुझे 100 नाम देने, ठीक है 100 नाम देने, तो क्या मैं सबके स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 करके पैरामीटर सारे मैं देते रहूँगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि मुझे 100 जो है पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 100 तक। और अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं वो मेरे पास क्या होगा दूसरा तरीका, तो वो ये होगा कि हम जो है क्या करवाएंगे, दूसरा तरीका हमारे पास ये होगा कि हम रेस पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेस पैरामीटर क्या कहता है कि जो भी नाम होंगे यानी जितने भी नाम होंगे हम इसके अंदर ऐड करा सकते हैं, तो यहाँ पास एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चलो इसको एक बार थोड़ा सा दिखाऊं, मिसाल के तौर पे मैं इसको मिटा दूं, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या किया मैंने आपको समझाने के लिए, मिटाया, फंक्शन बनाया, उसका नेम लिया फर्स्ट नेम लिया, रिटर्न कराया फर्स्ट नेम, और वार से मैंने बोला एम्प्लॉय नेम, और बिल्ड नेम पे मैंने चार नाम डाले, इसने एकदम नाम को तो ये
करवा रहा है, ये बोल रहा है कंसोल करा दूंगा, लेकिन ये बोल रहा है ये आगे के तीन नाम जो दे रहे हो ना भाई, ये बदतमीजी है, ये बर्दाश्त नहीं होने वाली। आपने जब पैरामीटर ऊपर एक दिया है तो नाम भी एक ही दोगे, एक से ज्यादा कॉमा लगा के आप नाम नहीं दे सकते, ये नहीं है। वो बोल रहा है आर्ग्यूमेंट एक ही आना चाहिए, क्योंकि आपने जब पैरामीटर एक दिया है तो आर्ग्यूमेंट भी एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा काम हम कैसे करें कि भाई के हम चाह रहे हैं, सो मैंने जो मिसाल दी थी 100 की, कि 100 स्टूडेंट के नाम मैं देना चाहूँ, तो क्या मैं बार बार स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू करके पैरामीटर, अब तो मेरे पास जो है पूरा कोड ही भर जाएगा, कोड भी भर जाएगा, मेरी जो है रैम भी वेस्ट स्टोरी होगी, क्योंकि ये रैम लेके रन कर रहा होता है कोड। हमारी कोशिश की ये होती है कि कम से कम लिख कर अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करें, जितना छोटा होगा प्रोग्राम उतनी हमारी रैम कम लेगा, उतनी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमें मिल जाता है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा नाम देना तो आप अनलिमिटेड नाम दे सकते हैं, तो आप रेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको ये दे देगा। मैं पुराना वो जो था वो मैं उसको ले आता हूँ, ये हमारे पास नॉर्मल एग्जाम्पल दिखाई, अब ये हमारे पास थी जो मैंने स्टार्ट में दिखाई थी, ये रेस्ट पैरामीटर। तो ऐसी सूरत के लिए मैंने हम यूज़ करेंगे रेस्ट पैरामीटर। इसमें अगर मैं एक और भी नाम देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है नाम देने की, अपना भी नाम दे सकता हूँ, आपका भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं किसी ऐसी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड नाम दे सकते हैं, ये नहीं बोलेगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक और आप चार दे रहे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दो आप पाँच दे रहे। रेस्ट पैरामीटर का लगाने का फ़ायदा यही होता है। तो अच्छा एक बात, मैं एक सवाल पूछूं अगर आप लोगों से, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो इस बात का मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कमेंट्स में जवाब चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपको ये कुछ चीज़ समझ में आ गई है। जोसेफ जो है वो फर्स्ट नेम है में स्टोर होगा या रेस्ट ऑफ नेम में स्टोर होगा, यानी कि ये रेस्ट पैरामीटर में स्टोर होगा। यानी मैं पूछना चाह रहा हूँ जो जोसेफ नाम, यानी जोसेफ से मुराद है जो मैंने फर्स्ट नाम जो लिखा है जोसेफ, ये मेरे पास फर्स्ट नेम में स्टोर होगा या रेस्ट ऑफ नेम में। तो इस बात के कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा ताकि अंदाज हो सके कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। और दूसरा सवाल, ये सैम्यूल्स किस में स्टोर होगा, फर्स्ट नेम में, रेस्ट नेम में, लोकस, मैकेंजी और ये अर्शद जो मैंने लिखा है, ये फर्स्ट नेम में स्टोर होगा या रेस्ट ऑफ नेम में स्टोर होगा, ये चीज़ आप लोगों को से पूछनी है ताकि क्लियर हो सके कि आप मुझे पता चल सके आप लोगों का कॉन्सेप्ट रेस्ट पैरामीटर के हवाले से बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका जवाब कमेंट्स में दे दिया होगा, मैं रीड करके भी बता दूंगा कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो अब देखिए, मैं जो पहली चीज़ होगी टाइपस्क्रिप्ट पे हम पहले ही देख चुके हैं, वो हमेशा पहले को असाइन होगी। तो जो पहला पैरामीटर होगा वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हम देंगे उसी में ही स्टोर होगा। तो जोसेफ जो है, सीधी सी बात है, आपका जवाब होना चाहिए वो फर्स्ट नेम में स्टोर होगा। इसके बाद अब ये आगे जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल स्ट्रिंग है तो सिर्फ ये एक से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, एक से ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ एक स्टोर करेगा और ख़त्म हो गई इसकी रेंज। अब लेकिन रेस्ट पैरामीटर हमने बात की है, इसमें हम अनलिमिटेड कराते हैं। तो ये जो समय पूछ रहा था कि सैम्यूल, लोकल्स, मैकेंजी और ये अर्शद जो है, ये सब जो है जाके रेस्ट ऑफ नेम में स्टोर होंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर भी मेंशन किया था ये कि स्ट्रिंग ऑफ एरे है, स्ट्रिंग ऑफ एरे, इसको मैंने सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बोला था, मैंने बोला था ये स्ट्रिंग ऑफ एरे है, ये स्ट्रिंग ऑफ एरे है, इसके अंदर जाके ये स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यहाँ पास कोड था, फिर हमने वार्क से बनाया, इसको लेट से बना लिया, कोई मसला नहीं, हमने वार लिख दिया है क्योंकि ये उसके अंदर था। नॉर्मली हम वार का इस्तेमाल नहीं करते, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको मैं मिटा के लेट ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर कंसोल डॉट लॉग से हमने एम्प्लॉय नेम को जो वेरिएबल बनाया था उसको हमने कंसोल करा के, मैं कंसोल में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट रहती है हमेशा की तरह, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स, और जो सवाल किए बराए मेहरबानी उसका जवाब ज़रूर दे दिए कमेंट्स में, इंतज़ार रहता है। लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट जवाब दे रहे थे, पता नहीं क्यों आप लोगों को डर लग रहा होता है जवाब देते में। कुछ नहीं होगा, ये सोशल मीडिया की तरह, वो फेसबुक की तरह तो है नहीं कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि आपकी आईडीज जा रही है, वो जा रही है कि आपकी चीज़ें होगी। कमेंट करने से सिर्फ आपके जो है कुछ नहीं, सिर्फ आपकी विजिबिलिटी चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती, सिर्फ आपकी प्रोफाइल वगैरह तो यूट्यूब की कुछ होती नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका एक अकाउंट ही होता है यूट्यूब में।
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स कर दिया करें, घबराए नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।